एक पहल जो विकास की मिसाल बन गई, एक कोशिश जो समृद्धि का रूप बन गई, एक कदम जिसने किसानों को प्रगति एवं खुशहाली के नए आयाम दिए, किसान रेल। 7 अगस्त 2020 को किसान और कृषि को पूर्ण रूप से समर्पित देश की पहली किसान रेल की शुरुआत हुई और आज मध्य रेल द्वारा चलाई जा रही किसान रेल अपने 1000 ट्रिप्स पूरे कर रही है। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और किसानों के हित में उठाए गए इन कदमों में किसान रेल एक अहम भूमिका अदा कर रही है। इसके कारण कृषि उत्पादों की ढुलाई में किसानों को होने वाली परेशानी से राहत मिली है। जिससे अब कृषि उत्पाद तेजी से एवं काफी सुगमता से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच रहे हैं। अब किसान की फसल बर्बाद नहीं होती, कृषि उपज के लिए पूरे देश में बड़े और नए बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। कृषि उत्पादों के बेहतर दाम मिलने लगे हैं। बेहतर सुविधाओं के साथ कम समय में कृषि उत्पादों को पहुंचाने वाला परिवहन बना है, साथ ही परिवहन के खर्चे पर किसानों को 50% की सब्सिडी मिलने से महाराष्ट्र के अलग अलग रूटों पर चलने वाली किसान रेल महाराष्ट्र सहित देश के किसानों के लिए समृद्धि, खुशहाली और आशा की नई किरण लाई है। मध्य रेल के अंतर्गत किसान रेल की ये 1000वीं ट्रिप इसकी सफलता की कहानी ही नहीं कहती, किसानों के बदलते जीवन की सार्थकता भी सिद्ध करती है। ये सिर्फ एक मुकाम नहीं, एक सीढ़ी है नव भारत में किसानों के बेहतर होते जीवन की।